आज पहली बार पलामू जिले में आने का अवसर मिला है, पलामू जिला आने का अवसर मिला है, इसके लिए जिनके माध्यम से हम यहाँ तक आए हम सभी का आभार करते हैं। आज दो साल पहले, आज भी हम लोग साथ हैं, दो साल पहले जब आंदोलन में भाग लिए थे तो कभी उम्मीद नहीं था कि अपने जीवन काल में हम लोग कभी पलामू प्रमंडल की ओर जाएंगे, काफी दूर पड़ता है। लेकिन आज झारखंड की जो दशा है, झारखंड की जो व्यवस्था है, और उस व्यवस्था से झारखंड के लोग लगातार अपने हकों से वंचित हो रहे हैं, वो आवाज कहीं ना कहीं आज हमें पलामू प्रमंडल और पलामू जिले की धरती तक खींच कर लाई है। और उम्मीद करते हैं कि अगर हम कोयलांचल से अगर पलामू प्रमंडल की धरती में कदम रखे हैं तो जो स्थिति आज कोयलांचल की है, जिस प्रकार से लोग आज कोयलांचल में अपने हक अधिकार को लेकर लड़ने फिरने को तैयार है, पलामू में भी वो माहौल हम लोग बना के जाएंगे। इस बात को हम विश्वास दिलाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हमें लगता है, मैं तमाम मीडिया कर्मियों के माध्यम से वर्तमान में राज्य की सरकार बड़ी घोषणाएं कर रही है और यह पलामू प्रमंडल में तो जल की स्थिति है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, जो जल की स्थिति है उस पर अगर वो बेहतर काम करते हैं तो पलामू प्रमंडल को एक बेहतर सवेरा, एक नया सवेरा मिलेगा, ये पूर्ण विश्वास है हमें। और साथ ही साथ हम अपन कहना चाहेंगे कि आज राजनीति में हम लोग आने का उद्देश्य भी यही था। आज इस भारत वर्ष में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, 28 राज्यों की अगर बात करें उनकी कोई ना कोई पहचान है। आज अगर अनुमान बात करें तो भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है, हम सभी भारतीय हैं, 1 अरब 40 करोड़ लोग भारतीय हैं, लेकिन 1 अरब 40 करोड़ लोग झारखंडी नहीं है। इस बात को पहले मानिए, इस बात को पहले समझिए। आज जो लगभग 1.5 अरब के आसपास हमारी आबादी होने वाली है कुछ वर्षों में, हम सभी भारतीय हैं, सभी इंडिया में, लेकिन सभी झारखंडी नहीं है। इस बात को जानना होगा, इस बात को समझना होगा। इसलिए हमारी लड़ाई ये है कि झारखंडी आखिर कौन है, झारखंड के मूल निवासी कौन है, झारखंड के स्थानीय निवासी कौन है। आज इस पहचान की लड़ाई को, उस आवाज को हम लोगों ने बुलंद करने का काम किया है और यह आवाज तब तक बुलंद रहेगी, ये आवाज तब तक गूंजेगी जब तक झारखंड प्रदेश में झारखंड वासियों का पहचान का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाए, तब तक यह आवाज गूंजेगी। और इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए लगातार हम लोग जिलों में प्रमंडलों में जा रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों के बीच अपनी समस्याओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि झारखंड एक नए सवेरे की ओर बढ़ रहा है। अगर हम लोग नए सवेरे की ओर नहीं बढ़ते हैं तो आज 8 लोकसभा की सीटों से 8 लाख वोट लेकर भी अपने साथियों कहीं ना कहीं झारखंड नए सवेरे की ओर बढ़ रहा है। आज इसी लोकसभा में अभी वर्तमान सरकार के जो विधायक भी चुनाव लड़े थे, माननीय लोबिन अहमद जी, माननीय चौधरी लता जी, अब पता कीजिए उनका वोट परसेंटेज क्या है, अब पता कीजिए वो कितना वोट लेके आए हैं, शायद 50,000 वोट नहीं है। और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक नहीं, 4-4 लोगों ने लगभग 1-1 लाख के लगभग 1.5 लाख 1.5 लाख मैंने खुद ऐतिहासिक 3.5 लाख वोट लाने का काम किया है। यानी ये संदेश है झारखंड इस राजनीति से उठ चुका है, बस उन्हें इंतजार था ऐसे युवाओं का, उन्हें इंतजार था कि कुछ युवा ऐसे आए जो राजनीति में अगुवाई करे। आज हम लोगों ने वो अवसर दिया है, आज कहीं ना कहीं जो अवसर हमें मिला है, ये अवसर बड़े लंबे समय के बाद आता है, ये मौका अरसे बाद आता है, इस मौके को हमें बचा कर रखना है, इस मौके को हमें खोना नहीं है। और नव झारखंड निर्माण की जो आम छवि है, एक आम जनता में उस आस को पूरा करना है। आज जब हम डेमोक्रेसी गए थे, आज जब हम लोग का वहाँ डिस्कशन खत्म हो गया तो पूरे देश से नौजवान गए थे जो राजनीति करना चाहते हैं, जो विधायक पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके जहन में भी वो सवाल था
या बिना पैसा के और निर्दलीय साढ़े तीन लाख वोट कहते हैं, पूरे भारत में चर्चा का विषय है। आज जो भी आजादी या पीढ़ी लोकसभा का दौरा कर लेंगे, हजारीबाग लोकसभा का दौरा कीजिए, धनबाद लोकसभा का दौरा कीजिए, रांची का, आज भी बहुत सारे नहीं हजारों लोग ऐसे हैं जिनके घरों में आज भी आलू प्याज का संग्रहण है, उनके घरों में आज भी चावल है। क्यों पता है? उन्होंने हमारे चुनाव लड़ने के लिए ये अनाज का संग्रहण किया था। आज वो अनाज संग्रह उनके पास आज भी है। वो कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में इसी अनाज को लोग खास करके आप लोगों के लिए चुनाव कैंपेन करेंगे। ये इतिहास नहीं हुआ, ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी चुनाव में नहीं हुआ था कि जनता ने हमें वोट भी दिया है और वोट भी दिया है और एक दो रुपया नहीं, लगभग लाखों रुपया। तो ये एक नई उम्मीद जो जगाई है, उस उम्मीद पर हमें खड़ा होकर रहा होगा। आज इस राज्य में कई नेता आए और भविष्य में कई नेता आएंगे, लेकिन हमें लगता है कि आज राज्यवासियों के साथ कोई छल ना हो, उनके साथ कोई बेईमानी ना हो, हमें ऐसे राजनेता को अपने आप के बीच स्थापित करना है। और हम तो स्पष्ट कहना चाहेंगे कि हमारा मकसद विधायक सांसद बनने का नहीं है। अगर सांसद बनना मकसद होगा तो बीजेपी कांग्रेस दोनों हमकोटी करते रहेगी। आराम से बीएससी का स्टूडेंट है, आराम से दो दिन का समय लेते हैं, सर्वे करते हैं कि कहां से कौन चुनाव जीत सकता है, टिकट लेके सांसद चल जाते और आपका सफर समारोह भी हो जाता। लेकिन हम आए हैं सत्ता में नहीं, व्यवस्था में बदलाव करने आए हैं। इस व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं उन्हें सोच में बदलाव करने आए हैं। हम सब सांसद विधायक बनना नहीं है। हाँ, इतना तो तय है कि अब विधायक और सांसद हम लोग बनाएंगे। आज के दौर में विधायक सांसद बनना आसान है, अरे हमने तो नेता बनाया। हजारीबाग से संजय मेहता 1.5 लाख वोट लेके आए, रांची से देवेंद्रनाथ महतो 1.25 लाख 1,32,000 वोट लेके आए, धनबाद से 1,38,000 1,00,000 के लमसम वोट लेके आए। वो सांसद बने चाहे विधायक बने मायने नहीं है, उनको नेता बनने का अवसर मिला और हम लोगों की देश हम लोग नेता बना। विधायक बनना तो आसान है, संजय सेठ सांसद बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, लेकिन जाके लेके चार लोग साथ में नहीं रहते, क्यों रहेंगे भाई? अरबों की संपत्ति है आपकी। भारत देश झारखंड राज्य गरीबी के दलदल में है, बेरोजगारी के दलदल में है, और एक सेठ की अगर मंत्री बन के जाएंगे अभी उसी दबाव में तो कौन आपके साथ जाएंगे? क्योंकि आपके पास अभी भारत देश का माहौल ऐसा है, मैंने इंटर में भी बताया था, 3 लाख बीजेपी माइंड का वोट है और 3 लाख उसका उल्टा वोट। तो आप तो विधायक सांसद आसानी से बन जाएंगे, बस पार्टी का टिकट चाहिए। यहाँ चैलेंज है नेता बनना, हम लोगों ने नेता बनाया है, आप भविष्य विधायक और सांसद भी बनाएंगे। नेता बनना चैलेंज होता है, विधायक बनना आसान है, सांसद बनना आसान है। आज सपा के सांसद माननीय कालीचरण जी कौन जानते थे, क्योंकि एक बड़ी पार्टी के टिकट से आए, आज सांसद के रूप में आए आपके बीच। ऐसे कई नाम हैं जिनको लोग जानते हैं नहीं जानते हैं। तो विधायक सांसद बनना मुझे लगता है आज के दिन में आसान है, नेता बनना बड़ा कठिन काम है। क्योंकि नेता उसका संबंध जनता से होता है, पार्टी की जिम्मेदारी और तरफदारी से नहीं। आप पार्टी की तरफदारी कीजिए, पार्टी की जिम्मेदारी कीजिए, 5 साल 10 साल बाद आपको टिकट मिल जाएगा, आप विधायक सांसद बन जाएंगे। लेकिन नेता वो होता है जो जनता के दिलों में राज करता है, उसे नेता कहते हैं। और नेता बनना आसान नहीं होता है, हम लोगों ने नेता बनाया है। आज लाख लाख वोट आया है, इंडिपेंडेंट आया है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने नेता बनाया है। और उसका तो छोड़िए, छत्तीसगढ़ के विधायक है जो केवल मैंने यूट्यूब का वीडियो सुन के नेता बन गए, विधायक बन गए। हम तो आपके साथ सशरीर खड़े हैं, जरूर विधायक सांसद के लिए आपके बीच खड़े हैं। छत्तीसगढ़ के नेता जी केवल वीडियो सुने और अपने आप को तैयार किए चुनाव के लिए। उन्होंने बकायदा हमें मैसेज भी भेजवाया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके वीडियो को सुनकर हम विधायक बन गए छत्तीसगढ़ का। तो केवल वो मेरा वीडियो सुन के जब विधायक बन सकते हैं, हम तो आपके सामने हैं, आपके चुनाव में आपके साथ रहेंगे, आपके कैंपेन में आपके साथ रहेंगे, आपकी रणनीतियों में आपका हिस्सा रहेंगे, आपके साथ कदम मिलाएंगे, आपके साथ मेरा कंधा मिलेगा, तो क्या चिंता है? जरूर यहाँ से हम लोग पलामू। और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मकसद है, वो इस राज्य के लिए बेहतर स्थानीय नीति बने, इस राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो उसके लिए बेहतर नियोजन नीति बने, यहाँ के विस्थापित किसानों के साथ अन्याय ना हो उसके लिए बेहतर विस्थापन नीति बने। जो हमारे आज मांगे हैं, जो आज ग्राउंड से उठकर आए हैं,
उन मुद्दों के साथ हम लोग लड़ेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज जिस प्रकार का समय बन रहा है, जिस प्रकार से झारखंड की राजनीति करवट ले रही है, वो अभी दूर नहीं है। झारखंड की राजनीति में हम लोग बदलाव करने में सक्षम दिखेंगे। और मुझे पूर्ण आशा है हम लोग समाज में बदलाव करने के लिए अगुवाई कर रहे हैं। ये बदलाव होकर रहेगा, बस हमें आवश्यकता है धीरा करने की। हमें आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास नौजवानों की फौज है। और मैंने आज से कई वर्ष पहले जीत के लिए मूल मंत्र पढ़ा था कि हमारे पास 3D का फॉर्मूला आना चाहिए। पहला डी यानी डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को हिंदी में बोलते ही ज्यादा नो डाउट हमारे लिए पास इरादे की कोई न कमी नहीं है। दूसरा डी से होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन यानी समर्पण। हम लोग समर्पित भी है, लेकिन जो अंतिम डी होता है जिसे हम लोग डिसिप्लिन कहते हैं, अगर उसे हम लोग फॉलो कर ले, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन, तो निसंदेह हम लोग चुनाव में सफल होंगे। झारखंड की जनता जो उम्मीद लगा कर बैठी है, उस उम्मीद को भी साकार करेंगे, ये पूर्ण गारंटी है। इसके लिए हमें हमारे भीतर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन होना चाहिए। हम पूर्ण चुनाव और निसंदेह हमें लगता है कि आज जिस प्रकार से राजनेता राजनीति कर रहे हैं, इनके हर एक तोड़ का हमारे पास जवाब है, हमारे पास उत्तर है। आज ये भयभीत माहौल में है और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज जो लोग हमारे साथ फोटो सेशन में दिखेंगे, आज जो लोग हमारे साथ कार्यक्रम में दिखेंगे, हो सकता है आपके स्थानीय विधायक या विधायक प्रतिनिधि या जिला के किसी नेता का फोन भी आएगा, रोक टोक भी किया जाएगा, धमकियां भी दी जाएंगी। तो विभाग कह दीजिएगा यहाँ सूरज चांद सितारे बनने के लिए आए हैं, हम और आप कौन है? अगर आप आपसे कहोगे तो भैया हम तो युवा है, हमारी गति का नहीं रोक पाए, क्योंकि हमने देखा है यार जो पार्टी 1970 की है, जो पार्टी 1980 की है, वो धमकी देती है। अगर हम आपके व्यवहार में बात करेंगे तो क्या होगा? अगर हम आपके जैसा व्यवहार करेंगे तो क्या होगा बताइए? तो हमारा कुछ नहीं है, ना आगे नाप ना पीछे पागा। क्या है भाई? ना आगे नाप ना पीछे पागा, हमारा कुछ नहीं है। जो लोग तुझे आपको धमकी भी मिलेंगे, हम पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ जा रहे हैं क्योंकि सबको डर है, ये लड़का बहुत तेज है, अगर ये लड़का आगे बढ़ेगा तो हम लोगों को गोलियां इसका बांधना होगा और बिल्कुल आपको बांधना होगा, क्योंकि हम राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काफी रहेगा वही की बात है। क्या व्यवस्था है? आज कोई नेता विधायक रहे, सांसद रहे, 20 सालों तक 25 सालों तक राजनीति करता है, जब पुरानी समय आता है तब बगल में अपने बेटे को खड़ा करता है और कहता है कि बहन तो बाहुबली का संन्यास का समय हो गया, अब लीजिए आपके बाहुबली आप सिस्टम नहीं चलेगा भैया, बिल्कुल ये सिस्टम नहीं चलेगा। नौजवान है, मैं बार बार कहता हूँ, अगर उसी पार्टी को सपोर्ट कीजिए जो सत्ता और संपत्ति के विकेंद्रीकरण की बात करता हूँ, अगर सत्ता और संपत्ति अगर केंद्रित हो जाएगी तो हमारे आने वाले 20 सालों में अंग्रेजों से भी बेहतर गुलामी खरीद होगी। आज मैं आपसे सामने कह रहा हूँ, इसलिए बोल उसको रहिए जो सत्ता और संपत्ति को विकेंद्रीकरण करने की बात करे। विकेंद्रीकरण का मतलब एक आम व्यक्ति तक सत्ता की खुद पहुंचे, एक आम व्यक्ति तक संपत्ति बढ़े, उसे हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है हमारी पार्टी से जो भी चुनाव लड़ेंगे, अगर वो जीतते हैं तो ये गारंटी है कि उनका ब्लड रिलेशन में टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले उन्हीं को चुनाव नहीं किया जाएगा। हम लोग अवसर का निर्माण करने के लिए आए हैं, इसलिए इस बात की गारंटी रख लीजिए कि हम लोग उस परिपाटी को नहीं दोहराएंगे। आज देख लीजिए भारत की क्या स्थिति है, कोई परिवार 40 साल से कोई 50 साल का राजनीति है, तो हम क्यों आए थे लोकतंत्र में, क्यों स्थापना हुआ था भारत देश में लोकतंत्र का? अगर एक ही परिवार के लोग राजनीति में सबके रहेंगे, अगर राजा का बेटा राजा बनेगा, विधायक का बेटा विधायक बनेगा, सांसद का बेटा सांसद बनेगा, तो भारत देश को लोकतंत्र का निर्माण करना ही नहीं चाहिए था। इसलिए हम लोग ये सुधार करेंगे। हमारी पार्टी में कोई विधायक होकर जाते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ जब तक हम केंद्र अध्यक्ष के रूप में रहेंगे, वो विधायक 20 साल रहे, 15 साल है, लेकिन जब वो संन्यास लेंगे, कोई नया विधायक नए गाँव से नए परिवार से तैयार होगा, उनके परिवार से तैयार नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। अभी नौजवानों को तय करना है कि राजनीतिक दिशा को लेके कहाँ जाना है, क्योंकि हम लोग बदलाव करने के लिए आए हैं, हम लोग क्रांतिकारी राजनीति करने के लिए आए हैं। आज ये जो नेता है इनकी जो सोच है उसका हम लोग वार करने के लिए आए हैं, आज युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए आए हैं, हम लोग संपर्क करने उनको आए हैं।
निर्भर तुम लोग हम सफल कर दिया है, इसलिए आप मेरा लगता है आज झारखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं एक नई लड़ाई लेने का कार्य हो रहा है। आज झारखंड की राजनीति में एक नया बदलाव होने का कार्य हो रहा है। हमें लगता है इस बदलाव का साक्षी हम सभी को होना चाहिए। ये प्रमुख की अगर बात करें तो यहाँ एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर हजारों साल की बात करें तो राजा अंबेडकर का इतिहास रहा है। अगर अंग्रेजों के कालखंड की बात करें तो नीलांबर पीताम्बर का इतिहास रहा है। हालांकि थोड़ा सा ये इतिहास थोड़ा फीका उस समय पड़ा जब अलग झारखंड राज्य की अलग जगी। तो चलिए कोई बात नहीं, एक नया अवसर आया है, अलग झारखंड राज्य ना सही झारखंड और निर्माण की बात आई है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है जिस फलानों ने अंग्रेजों के कालखंड में अंग्रेजों के बात करते किए थे वो फलानों भले अलग झारखंड राज्य में पड़ा धनबाद बोकारो जो कल्याणचल के क्षेत्र है, गिरिडीह का जो सीमा है, हजारीबाग का जो सीमा है, कमान का जो सीमा है, उससे भले पीछे रहा, लेकिन जब नव निर्माण झारखंड की बात होगी मुझे लगता है पलामू के मंडल भी काम करेगा। इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ, भरोसे के साथ मैं आज पलामू मंडल के साथ आया हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि आप हमें विनाश नहीं करेंगे। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और चुनाव में हमारे प्रत्याशी के पक्ष में आपका मताधिकार का उपयोग होगा। हम इसी आशा के साथ बिल्कुल हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं आज जो भी लोग सिस्टम में बैठे हैं वे भयभीत है। जो लोग लूटते हैं राज्य को वे भयभीत है। जो गलत कर रहे हैं हमारे राज्य के साथ वे भयभीत है कि कुछ भी हो जाए। ये नौजवान टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में नौजवान विधायक पार्षद नहीं बनना चाहिए। मैं आपको दो घटना विवाद बोकारो रामगढ़ जी सुना रहा हूँ। बोकारो में चंद्रपुरा सिटी के नाम में जगह है, वहाँ उद्योग है, वहाँ ग्रामीणों की जमीन एक कंपनी ने लिया है। आप भी जानते हैं ग्रामीणों की जमीन ली जाती है, जब वो मुआवजा मांगते हैं, जब वो नौकरी मांगते हैं तो कंपनी इस डीजिया कंपनी के तर्ज पर उन पर प्रतिमान करती है, उन पर एफआईआर करती है। तो ठीक वही हुआ चंद्रपुरा में 1 तारीख को, वही हुआ। गाँव वाले अधिकार मांगने गए, उनके साथ फर्जी मुकदमे हुए, लेकिन एक कंपनी के अधिकारी ने कहा कि केस को रोक के रखिएगा, 4 तारीख का इंतजार कीजिएगा। 1 तारीख को केस हो रहा है, कंपनी के अधिकारी कह रहे हैं कि केस को रोक के रखिएगा, 4 तारीख का इंतजार कीजिएगा। अगर जयराम कुमार महतो सांसद जीत के आते हैं तो केस वापस कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा हुआ है। एक कंपनी को इतना डर था कि अगर जयराम महतो सांसद जीत के आता है केस वापस कर लीजिएगा, केस रोक कर लीजिएगा, केस आगे मत बढ़ाइएगा। हम चुनाव जैसे ही हारे तो केस 5 तारीख को तेलू घाट रोड का कोर्ट होता है वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। इतना खोखा, क्योंकि इनको भी मालूम है ये जो नेता हम सत्ता में करते हैं सैंक्चुअरी रहे, बीजेपी वाले रहे, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी आजू वाले रहे, वो सत्ता